आखिर क्यों सेम इंजन होने के बावजूद भी स्कूटी का माइलेज बाइक से कम रह जाता है, और कैसे आगे आने वाले समय में प्लेन की टिकट बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, और क्यों हमें रात 2 बजे तक फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, और कैसे आप सिर्फ 1,000 रुपये देकर सेलिब्रिटी बन सकते हो, तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, गाइस आपको ये तो पता ही होगा कि सड़क पर गंदगी फैलाना बहुत ही गलत काम होता है, और हमारे इंडिया में तो ये काम बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ की सड़कों पर गंदगी आम तौर पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए अब जापानीज गवर्नमेंट एक ऐसे प्लान के साथ दुनिया के सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। असल में गाइस जापान इस दुनिया की सबसे पहले ऐसी कंट्री बनने जा रही है जो कि नवंबर 2023 से हर कुछ महीनों के बाद अपने देश में गार्बेज पिकिंग कॉम्पिटिशन को आयोजित करेगी, जिसके तहत जो भी इंसान सबसे ज्यादा सड़कों से कूड़ा बीन कर जापानीज गवर्नमेंट को सबमिट करेगा उसे इनाम के तर्ज पर करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। नंबर 2, गाइस आपको ये तो पता ही होगा कि एक प्लेन की टिकट एक ट्रेन की तुलना में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में काफी ज्यादा महंगे फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में यही सिनेरियो पूरी तरह से उल्टा होने वाला है। असल में गाइस आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने अबू धाबी में ग्रो होने वाले सॉल्ट वाटर प्लांट के बीजों को प्रोसेस करके एक ऐसे फ्यूल को बना लिया है जिसका कि इस्तेमाल प्लेन में ऐसा फ्यूल किया जा सकता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके से तैयार हुआ ये फ्यूल काफी ज्यादा सस्ता है, और इसलिए अबू धाबी में इन प्लांट्स की बहुत बड़े स्केल पर खेती भी की जा रही है। और अगर ये काम इसी तरह से चलता रहा तो ना सिर्फ अबू धाबी में बल्कि पूरी दुनिया में ही एयरप्लेन की टिकट काफी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। नंबर 3, हमें कभी रात 2 बजे फोन क्यों नहीं चलाना चाहिए। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि अगर आप अपने फोन को रात 2 बजे से 4 बजे के बीच में चलाते हो तो आप अपने साथ ही एक बहुत बड़ी गलत चीज कर रहे हो, और वो कैसे तो चलिए बताता हूँ। असल में गाइस हमारा ब्रेन एक पैटर्न के ऊपर काम करता है जिसके चलते हुए वो दिन के कुछ घंटों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और वहीं कुछ घंटों में सबसे ज्यादा रिलैक्स और पीसफुल होता है। और वही बात अब ओवरऑल ह्यूमन ब्रेन पैटर्न की जाए तो साल 2019 में इस बात का पता चला था कि रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वो समय होता है जब एक ह्यूमन ब्रेन काफी ज्यादा रिलैक्स और पीसफुल स्टेट में होता है, भले ही आप उस समय जाग रहे हो या फिर नहीं। तो गाइस इस कंडीशन में कुछ ऐसा होता है कि आप इसी समय के बीच में अपने स्मार्टफोन का यूज करते हो, और अगर ये चीज रेगुलर बेसिस पर होती चली जाती है तो आप कहीं ना कहीं अपने ब्रेन पैटर्न को डैमेज कर रहे हो, जिसके चलते हुए वो इस समय रिलैक्स और काम रहने की वजह ओवर एस्टिमुलेट हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट सिर्फ यही छोटी सी चीज करने के कारण आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर आप इसी चीज को कई महीनों तक लगातार करते हुए चले जाते हो तो आपको इंसोमनिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी एक्सपर्ट्स आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि आपको कभी भी अपने फोन को रात 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 4, आप क्या सोचोगे उसके हिसाब से गाना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये हेडफोन आपके मूड के हिसाब से अपने आप गाना बजाएगा। ड्यूरेबल कंपनी ने एक ऐसा हेडफोन बनाया है जो कि आपके दिमाग को रीड करके आपके मूड के हिसाब से गाना बजाएगा। नंबर 5, गाइस क्या आपको पता है कि अब आप पैसे देकर इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड हो सकते हो, बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह। आने वाले समय में इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को अकाउंट को वेरीफाई करने और ब्लू टिक देने के लिए सिर्फ $11.9 पर मंथ चार्ज करेगा, लेकिन इससे पहले ये फ्री था और सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब आप कोई सा भी अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। नंबर 6, गाइस क्या आपको पता है कि नोकिया ने अपना आइकॉनिक लोगो बदल लिया है, और ऐसा इन्होंने 60 साल बाद किया है। नोकिया 1962 में शुरू हुआ था और तब से इनके लोगो में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था, पर रिसेंटली इसमें काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। और गाइस क्या आपको पता है कि नोकिया अब अपने सेलफोन्स नहीं बनाता है, क्योंकि कुछ साल पहले इसने अपने सेलफोन बनाने के राइट्स को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिए थे। नंबर 7, गाइस क्या आपको पता है कि कुछ दिनों पहले एलोन मस्क ने एक दिन में $36 बिलियन की कमाई की थी। एलोन मस्क पिछले कुछ महीनों से काफी घाटे में चल रहे थे, जिसके चलते हुए ये दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए थे, लेकिन हाल ही में एक दिन में ही $36 बिलियन कमा लिए और अब ये फिर से फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं। नंबर 8, गाइस अगर आपको अपना हेयर लॉस छुड़ाना है तो आपको आज से ही एनर्जी ड्रिंक, सोडा और स्वीट बेवरेजेस को छोड़ना होगा। जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर का कुछ ऐसा कहना है कि ये सारी चीजें इंसानों में हेयर लॉस और एंजाइटी जैसी चीजों को 42% तक बढ़ा देता है। नंबर 10, 28 घंटों में बनी 10 मंजिलों की इतनी बड़ी बिल्डिंग। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर ये फोटो खूब वायरल हो रही है। चाइना के चंगशा शहर में एक रियल स्टेट डेवलपर ने 28 घंटों में 10 मंजिला अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाकर सबको चौंका दिया है। उनका ये कहना है कि उन्होंने हर फ्लोर के लिए रूम्स पहले एक फैक्ट्री में बनवाए थे और फिर उसके बाद एक के ऊपर एक रखकर इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया था। नंबर 10,
सेम इंजन होने के बाद भी स्कूटी का माइलेज बाइक से कम क्यों होता है। असल में गाइस आपने भी इस चीज को कभी न कभी तो जरूर नोटिस किया होगा कि अगर एक बाइक और एक स्कूटी में सेम सीसी का इंजन इंस्टॉल किया गया है तब भी स्कूटी एक लीटर में बाइक के मुकाबले काफी ज्यादा कम चलती है। तो ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब बाइक और स्कूटी में सेम इंजन पावर है तो उसका माइलेज बाइक से कम क्यों रह जाता है। असल में गाइस इसके पीछे दो मेन रीजन है और बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है व्हीकल वेट। असल में गाइस स्कूटी को लोगों के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। उसमें आपको स्टोरेज देखने के साथ साथ अच्छा खासा बूट स्पेस भी दिया जाता है, जिसके चलते हुए जब स्कूटी की बॉडी को डिजाइन किया जाता है तो उसे काफी ज्यादा चौड़ा और भारी बनाया जाता है ताकि स्कूटी अच्छी तरह से रोड से बंधकर चल सके। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी व्हीकल का वेट ज्यादा होगा तो इंजन को उसे आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा फ्यूल की भी जरूरत होती है, और इसलिए स्कूटी बाइक की तुलना में सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज्यादा पेट्रोल को कंज्यूम करती है। और वही तो अब अगर बात दूसरे कारण की जाए तो वो है इनके टायर का छोटा होना। असल में गाइस स्कूटी को मैन और वुमेन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है और लड़कियों के लिए स्कूटी चलाना काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो इसलिए इसके टायर को काफी ज्यादा कम हाइट का रखा जाता है। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जब किसी व्हीकल में छोटे टायर को इंस्टॉल किया जाता है तो उनको रोटेट करने के लिए इंजन को काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और इसलिए स्कूटी का माइलेज बाइक की तुलना में काफी ज्यादा कम रह जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।